हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बजिस की जो है वो प्रोग्रेस दिखाऊंगा। मेरा एक बहुत ज़बरदस्त पेयर है जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे ब्रीड देगा। उसने मुझे ब्रीड दिया और बहुत अच्छी ब्रीड दी है अपने हिसाब से। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे एक्सपेक्टेशन मेरी ये नहीं थी कि वो मुझे मतलब कि ब्रीड बहुत अच्छी देगा, लेकिन मेरे हिसाब से और उसके अपने पेयर के हिसाब से जो है ना वो बहुत अच्छी ब्रीड दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने ब्रीड कैसे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको उस फीमेल का आपको मेल दिखाता हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव मेल है। माशाल्लाह से रिंग में है, देखें उसकी आइज़ का रिंग कितना ज़बरदस्त है और कितनी अच्छे साइज़ में है और कितना ज़बरदस्त कलर है इसका, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके जो बच्चे होंगे वो भी इसी तरह के स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फीमेल और उसके बच्चे कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। और तीन बच्चे माशाल्लाह से वो भी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे। एक अंडा अभी भी पड़ा है और आई थिंक वो भी फर्टाइल है। तो ये बड़े वाला बच्चा गालबन ये मेरे ख्याल से बनेगा येलो में, और ये जो उससे छोटे वाला है ये बनेगा वाइट में, और तीसरा जो है वो शायद ग्रीन में होगा। तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। और मैं आपको दिखाता हूँ इनकी माँ कैसी है। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं बेचारी इस टाइम जो है वो थोड़ी सी जो है मैली हुई है, बिल्कुल जैसे कि एक अल्बिनो पेस्टल में होता है ब्लू शेड में, तो इसकी ये फीमेल भी वैसी है। और ये अभी इसकी एज भी पूरी नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ये 3 से 4 माह की है। मेल तो बड़ा है काफ़ी मेरे पास अपना है, और इसकी एज मेल की होगी गालबन की 8 से 9 माह, और ये फीमेल जो है वो गालबन की 3-4 माह की है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा छोटी है, हाफ एज की है। और ये भी आँखों के बीच इसका रिंग है और बहुत अच्छी ब्लड लाइन होती है ये बजीज की। आप देख सकते हैं इनके कलर्स कितने अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की यही निशानी होती है कि उनके कलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और बहुत अच्छी, और देखने से ही पता चल जाता है। तो वो देखें, वो जो अब अपने बच्चों के पास चली गई है। तो चलिए मैं मटकी में भी दिखाता हूँ कि ये बच्चों के पास कैसे बैठी है। ये अगर मेरा आपको कैमरा दिखा सके तो वो जो है वो बैठी है बच्चों के पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और ये इनको फीड भी प्रॉपरली करवा रही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस लगी होगी। चले लगे हाथ में आपको दूसरे पेयर की प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ। ये मैंने 2 पेयर रखे हुए हैं और दोनों की फीमेल्स जो है वो मटके में है, दोनों मेल बाहर हैं। ये येलो वाला भी मेल है और वो दूसरा ब्लू वाला भी मेल है। ये अभी ग्रीन कलर वाला जो है ये पट्ठा है, ये मैंने अभी, मेरे पास एक्स्ट्रा जगह नहीं थी, यही एक जगह थी तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो चले दिखाते हैं, वो सामने भी एक फीमेल है जो ब्लू वाला है, उसकी फीमेल जो है वो अंदर बैठी आपको नज़र आ रही होगी। और ये जो येलो वाला है और इसकी फीमेल जो है इस वाली मटकी में बैठी हुई है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। चले पहले सामने वाली को देखा जाए कि इसने क्या किया है। ये थोड़ा फैल के बैठी हुई है, शायद इसने अंडा दे दिया है, ये देने वाली है। अच्छा फ्रेंड्स, फीमेल जो एग लेइंग पे आती है तो उसकी मेन निशानी यही होती है कि उसकी जो नोज़ है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो हीट पर होती है। तो इसकी जो है नोज़ वाइट थी और भी ऐसे ऐसा ब्राउन होती जा रही है, तो इट्स मीन ये इस टाइम हीट पर है, या तो ये अंडा दे चुकी है या अंडा देने वाली है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हिला के देखते हैं कि शायद इसके नीचे अंडा पड़ा ना हो। जी फ्रेंड्स, इसके नीचे अंडा है माशाल्लाह से, अंडा बहुत ज़बरदस्त है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है, इसकी एक बहुत ख़ास बात यह भी है इस पेयर की कि यह ज़्यादातर 80% बच्चे जो हैं इसके रेडाइज निकलते हैं। आप देख सकते हैं खुद भी पाइट में है, मेल भी जो है इसका ब्लू वाला पाइट में है, तो ये बच्चे जो हैं वो रेडाइज के निकालते हैं, यानी कि एक आध बच्चा या 2 बच्चे जो हैं वो रेडाइज में, उसमें बजीज में यानी कि ब्लैक आइज में निकलते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं 3 या 4 या 5 बच्चे जितने भी निकाले उसके अंदर से 80% जो है बच्चे वो रेडाइज के निकलते हैं। तो चलिए इस ये जो येलो वाला मेल है इसके भी आपको दिखाता हूँ इसकी फीमेल ने क्या किया है। और माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी चिक्स होंगे इसके भी, और देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। चलिए इसको निकालना बेहतर नहीं होगा। ओ देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेबी है। देखिए दोनों माशाल्लाह से किस किस कदर हेल्दी हैं। वो छोटा जो है वो ज़्यादा छोटा है और बड़ा जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो इंशाल्लाह ये पाल लेगी, चूँकि जब बच्चे 2 हों तो वो आसानी से पाले जा सकते हैं, अगर बच्चे 6-7 हों, 5 हों, 4 हों तो वो पालना थोड़ा औखा हो जाता है। उसमें ये होता है कि फीमेल जो है वो फीड प्रॉपर नहीं करवा देती होती, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं वो फीड कर लेते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो फीड से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि फीमेल जो है उनके बारे में भूल जाती है, ये उनको करवाना छोड़ती है। देखें अभी भी वो बच्चे को जो है वो निकाल रही है, उसको सेट कर रही है। तो फ्रेंड्स,
बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस है पेयर। मैं समझता हूँ बंदा चाहे दो ही रखे या तीन रखे, पेयर कम रख ले चाहे ज्यादा रख ले, लेकिन पेयर की जब तक आपको प्रोग्रेस नहीं मिलती है तो पेयर किसी काम के नहीं होते हैं। वैसे मैं आपको और बड़ी भी आपने दिखा देता हूँ कि वो जो है उनको ठंड लगी हुई है, तो उनका जो है ट्रीटमेंट। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे बजीज के कुछ पीसीज हैं, ये इनको जो है ठंड लगी हुई है। इसके अंदर फीमेल ज्यादा है और मेल जो है वो कम है, यानी कि दो मेल हैं और बाकी चार जो हैं वो फीमेल्स हैं। आप देख सकते हैं उनको ठंड लगी हुई है। तो इसमें कुछ पीस अच्छे भी हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा दूसरे पेयर्स के साथ छोड़ने में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरे बजीज के कुछ पीसीज हैं जो इसी बीमारी से निकले, यानी कि इसी केज में से मैंने निकाल के, इन जो ठंड से अब रिकवर हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखें बहुत हेल्दी और एक्टिव है, और इंशाल्लाह ठंड का जो नुस्खा जो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके ऊपर भी ऑलरेडी जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि मेरी एक फीमेल थी लोटिनो कॉमन की, ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फीमेल है, हट्टी कट्टी है। इसका भी थोड़ा इलाज चल रहा था, इसको गले का प्रॉब्लम था, तो इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 100 वाट का बल्ब लगाया है, और नेस जो है इसके साथ मैंने ये कमरे में आग भी जलाई है। रूम टेम्परेचर जो है इस टाइम मेरे ख्याल से शायद 40 होगा, जी हाँ 40-42 पे जो है मैंने इनका रूम टेम्परेचर रखा हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम रूम टेम्परेचर है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप भी जो है इससे इनसे अच्छी ब्रीड ले, तो फ्रेंड्स अगर आप भी इनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारी वीडियोस को जो है वो विजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर डाइट प्लान और बर्ड्स को रखने का तरीका, इनकी मटकियाँ लगाने का तरीका, इनकी स्टिक्स लगाने का तरीका और बर्ड्स को बीमारियों से बचाने का तरीका जो है वो सारा मैंने अपनी वीडियोस में आपको शेयर किया हुआ है। तो आप वहाँ से जो है लिंक विजिट करके अपनी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।